सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी तेरा नाम प्रगट भया भया न जाको अंत सत धर्म रविदास का को विरला जाने संत करोड़ां विच्चों कोई एक सूरमा ही जन्म दे जड़ा उस सत पुरश नू जान सकदा है सत दे नाल जुड़ सकदा है मंच ते विराजमान समूह संत समाज और आप सब संगतां सतगुरु रविदास महाराज जिया दी अमृतमयी अमृत बाणी दी निघी गोद विच बैठकर
सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच हाजरी लगवा रहे हो। गुरु प्यारियो, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष मंच ते विराजमान हैं। मेरी सब नू एक बेनती है, अज असी सवेरे ही एक गल ते विचार हो रही सी कि साढ़े कोल महापुरश आ गए आनंदपुर साहब तो, उन्हां दा डेरा बहुत वड्डा है। तो वह कहन लगे, कहिंदे ज्ञानी जी भी एक चीज़ देखी कि असां अपने मार्ग तो भटक रहे हाँ। संत कहन लगे, मैं क्या महापुरशो क्यों? कहिंदे असल दे विच जो जीवन तू जी रहा ना, वो जिंदगी दा असल जिंदगी जीवन दा सही तरीका है। असी कहिंदे गड्डियां दे लालचां विच फस गए, असी प्रशंसा दे लालच विच फस गए, पर तेरी जिंदगी नू जदों असी देखदे हां तू सारिआं तों वक्खरो वक्खरा जिहा तुरिआ रहिंदा। मैं क्या महाराज जी, ये संतां दा आशीर्वाद है। फिर मैं उन्होंने दस्या भी भटके कित्थे हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी ने सानू एक सिक्ख्या दिती है, कह रविदास सुनहो रे संत हो हर जियो ते सभै सर। जदों मैं इन्नी गल उन्होंने कही कि मेरे गुरु जी ने सानू ये सिद्धांत दिते जिंदगी जीवन दे, वो कहिंदे मैं उन्होंने समझाने की कोशिश की कि गुरु रविदास जी ने केवल संतां दा ही शब्द इत्थे क्यों वरत्या, उत्थे आम भी कह सकते जिदा बाकी शब्दों के आम संगत को संबोधित किया, इत्थे संतां नूं क्यों कहा? मैं क्या महाराज, इत्थे उन्हां संतां नूं कहा होया है जिहड़े घरों तां तुरे सी, घर की तंगी देख के, घर के हालात देख के, घर के कलेश तो छुटकारा पाने की खातर, जां कोई अपनी आपनू उच्चा चुकन की खातर। देखो तुसी ध्रुव की जीवन पढ़ लो, प्रहलाद की जीवनी पढ़ लो, पिछे जिन्हें भी महापुरश हुए सब की जीवनी पढ़ के देखो, कोई ना कोई कारण जरूर बनता है रब की प्राप्ति करने वालों, इच्छा जागृत करने वास्ते। क्योंकि जदों एक पास्यों मन टुटूगा नहीं तो दूसरे पासे की खोज करता ही नहीं है। तो गुरु रविदास जी ने इत्थे एक गल कही कि जिस समय इंसान बंदगी करन वास्ते घर बार परिवार अपना समाज ये भाईचारक लोग जड़ी दुनिया नू त्याग के बंदगी विच लगन लगता है, तो जदों किते उहदे कोलों सिद्धि प्राप्त होण लगती है, वह परम पिता की कृपा प्राप्त होण लग जाती, तो सब तो पहला महापुरशो अकाल पुरख पार ब्रह्म परमात्मा अपनियां रिद्धियां सिद्धियां भेजदा है। तो जो इंसान उन्हां रिद्धियां सिद्धियां च फस गया, कहिंदे रब दे नाल नहीं मिल सकता, तो जिन्हें रब नूं मिलना है वह रिद्धियां सिद्धियां की वरतों नहीं करता है। ये भी नाल है कि धागे तवीत नहीं दिंदा, फिर वह सिर्फ रब के नाम के नाल ही जोड़दा है। मैं कहा महापुरशो, असी इस करके भटक गए क्योंकि जदों असी गुरु पातशाह नूं मिलण वास्ते तुरे सी, घरों तुरे सी बैरागी हो के रब नूं मिलण दे लई, रब की खोज दे अंदर, पर जदों साडे कोल थोड़े जिहे संसारिक प्रशंसा आ गई, सो थोड़ी जिही संगत इकट्ठी होण लग पई, असी अपने आप नूं उस चीज़ तो अलग कर लिया है। इस करके असी रब का आसरा छड के संसार के आसरे वालों तुर पए। तद सतगुरु रविदास जी ने कहा कि कह रविदास सुनहो रे संत हो। इसलिए सानू उन्होंने स्पैशल संबोधित किया कि तुसी रब दे नाम नाल जुड़ो, रब का आसरा लवो। संसार का आसरा झूठा है, पर संसार के मालिक उस परम पिता का आसरा सच्चा है। जे उसनू पता है कि शरीर नू भुख लगी तो दुध की प्रोवाइड उन्हें करना है, जो उसनू पता है कि रोटी इस शरीर नू चाहिए तो उसनू ही सहूलत उस परम पिता ने देनी है, सानू सब नू दे रहा है। इस करके अपने संसार के आसरे त्याग के केवल पार ब्रह्म के आसरे जो इंसान अपना जीवन टिका लैंदा है, उसनू परम पिता घर आ के अपने गले नाल लाउंदा है। इसलिए गुरु प्यारियो, आओ आपां वी उस पार ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार रूप सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतमई अमृत बाणी के सामने सतगुरु रविदास महाराज उस रूप के बैठे उन्होंने चरणों के बेनती करिए, दर्शन दी जय राम, दर्शन दी जय, दर्शन दी जय राम, दर्शन दी जय राम, दर्शन दी जय राम, दर्शन दी जय विलंब ना।
दर्शन दी जय विलंब न की जय। ऐ परम पिता दर्शन दियो, क्योंकि जद दर्शन दी मन दे विच आस होवे तो परम पिता कृपा कर देंदे हन। उस ईश्वर नू मिलन दे लई संसारिक कोई भी कारण हो सकदा है, पर जदों इंसान नाम दे नाल मन जोड़ लैंदा है तां संसारिक इच्छावां खत्म होंदियां रहिंदियां, तां केवल रब दे मिलन दी तमन्ना जिहड़ी है प्रज्वलित होंदी रहिंदी है, प्रबल होंदी रहिंदी है। पर जदों इंसान रब दे नाम दे नाल जुड़ जांदा है, गुरु मंत्र दे नाल जुड़ जांदा है, फिर गुरु मंत्र अपना काम करना शुरू कर दिंदा है। फिर इंसान दे मन नूं गुरु मंत्र अपने वल आकर्षित करता रहिंदा है, ते इंसान दे कोलों उस दियां इच्छावां छुटदियां रहिंदियां। गुरु प्यारियो, तुसी बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, तुहाडे शरीर दे विच्चों जिहड़े पंज विकार है अपने आपे घटने शुरू हो जाणगे। तुसी बाणी दे नाल जुड़ जाओ, गुरबाणी दे नाल जुड़ जाओगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, प्रेम का संदेश दिता है, प्रेम भावना संसार में सिखाई। और गुरु प्यारियो, गुरु रविदास महाराज जी ने प्रेम की शिक्षा देंदे हुए समझाया है कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी।
इस दा अर्थ है कि अपने विकारां तो अपनी हौमे तो अपनी मैं तो अपनी ईगो तो मैं अपनी प्रीत जिहड़ी अपने मन दे ख्याल है वह तोड़ लई मैं केवल अपना मन गुरु के चरणों के विच रख दिता है। सच की प्रीत जाग पई और जो सच की प्रीत जाग पई तो सच के नाल जुड़न वाले इंसान को जिसने सच को जान लिया उसनों ही संत कहा जाता है। और संत की परिभाषा उसके कपड़िया तो नहीं, संत की परिभाषा उसकी जुबान तो होंदी है। ये शरीर का ये शरीर के उपर कहते कि जिंदा लगा है तो जो ही जिंदा खुलता है तो पता लग जाता है कि शरीर के कुछ है। जिस तरह दुकान खोलते हैं ना तो दुकान का जिंदा खोलते ही पता लग जाता कि दुकान के पंसारी का समान पिया, करियाने का समान पिया है या कोई होर समान है। इस तरह इंसान के शरीर का ताला ये जुबान है और जुबान के खुलद्या ही उसकी अंतर आत्मा अंतर का पता लग जाता कि यदा अंदर कितने टिकया है। क्योंकि संत की पदवी बहुत उच्ची है, तो संत के मते भी अनेक है। संत अनंत है अंतर नहीं, संत उस रब का रूप है। पर गुरु प्यारियो जिन्ना चर असी स्टडी करते हैं पढ़ाई करते हैं, मान लो कि असी कोई PhD कर लगा है, कोई आप MBBS कर रहे हैं, चाहे MD कर रहे हैं, ये आप डिग्री लैन की कोशिश कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, पर असल आनंद असल संघर्ष तो उदो शुरू होंगे जदों उस मुकाम पर पहुँच गए, जदों तुसी MD बन गए, जदों MBBS बन गए, जदों तुहाडी सेवा शुरू हो गई, फिर उस मुकाम पर जो तुसी जिंदगी दे तजर्बियां दे विचों सिख्या है उस जगह पर टिके रह के तुसी लोगों की सेवा करनी, पर अपने अंदरों अपने आप को खत्म करके चलना है, तद जाके उस संत की उस रब के नाल मिलना होता है। ते गुरु प्यारियो इस तरह डॉक्टर की जिंदगी दे विच जदों MBBS बनता है MD बनता है तो जिसमें वह अपने कार्य करता है कहिंदे अपने कार्य करते हुए निरपक्ष हो के माया का व्यापार ना सोचे कि जे कोई मैनू 1,00,000 रुपया दिता तो मैं वह ऑपरेशन पहला करा तो 50,000 वाले का बाद च करा। कहिंदे जिहदी सोच में यह फर्क आ गया है समझ लो उस दरबार के धक्या जाएगा। ये सतगुरु रविदास महाराज जी का आली दरबार है जिथे राजा भी आता है, तो जिस जगह पर एक भिखारी भी आता तो एक पंगत के बैठ के भोजन छकते हैं, उतने कोई फर्क नहीं होता। ओ जगत गुरु रविदास पातशाह जी किस राम की गल कर रहे हैं, क्योंकि राम शरीर के अंदर रमण वाली पावर का नाम है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि जो इंसान के अंदर उस मिलन की उस परमात्मा के मिलन की तमन्ना इन्नी वेग वाली हो जाए, जिस तरह सतगुरु पातशाह समझाना कर रहे कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे, तो साढ़े लोग कहते कि पिछले जन्मों की गल की है, पर गुरु रविदास महाराज जी वर्तमानी काल के सोच क्रांतिकारी सोच रखने वाले वो की समझाना कर रहे। कहते हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत न जाना, ये शरीर एक दम का प्रौना है, अगला दम आना है या नहीं आना वो ईश्वर वो निरंकार वो परम पिता जानता है। इसलिए गुरु प्यारियो जदों अगले दम का भरोसा नहीं है तो फिर आपां अगली जन्म का किस तरह गुरु पातशाह लारा ला रहे, पिछले जन्मों की किस तरह गल कर सकते हैं। गुरु पातशाह कह रहे कि जिन्ने दम तेरी बंदगी तो बिना निकल गए सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूरन सोई संत। और संत पूर्ण है जिदे हर एक श्वास दे विच उस परम पिता का नाम उचारण होता है। तो जदों सतगुरु रविदास महाराज जी कहते उस परम पार ब्रह्म परमात्मा दे नाल जुड़न की गल कर रहे कहते कि जिन्ने दम शरीर के विचों है परम पिता तेरे नाम तो बिना निकल गए उन्ने जन्म का विछोड़ा तेरे नालों पै गया है, क्योंकि एक दम का विछोड़ा एक जन्म के समान है। जिन्हों की लगी होवे उन्हां दे लई एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता है, तो एक घड़ी का समा भी कल युग के समान है, एक युग के समान हो जाता है। विछोड़े की एक घड़ी इंतजार की एक घड़ी एक पल भी जड़ा घंटिया के समान लगता है। इस करके गुरु पातशाह जी सानू समझा कि यह जड़ा शरीर के अंदर दम है ए परम पिता ये तेरे लेखे है,
पर इस दम दे विच भी एक आस है केड़ी कहर बदास आस लग जीव चिर भयो दर्शन देखे जड़ा दम शरीर दे अंदर है अगर इस दे विच ही ऐ परम पिता ऐ परवदिगार आलम तेरी कृपा हो जाए तेरे दर्शन दीदारे हो जावन ता ए जीवन ए शरीर जड़ा सफल हो जाएगा। इसलिए सतगुरु दास पातशाह उस दर्शन दे प्रथाए सानू शब्द दे द्वारा इउं संबोधित कर रहे हैं। दर्शन दी जरा दर्शन